हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह हो रही है और यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा हसीन हो रहा है, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे मौसम, देखो। और कुकी यहाँ पे आ रखा है। हाय कुकी, कैसा है बेबी? और ये बिल्कुल अपने मज़े में है। और बाकी दोस्तों, मैं अभी आपको अंदर अपना कमरा दिखाता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा कमरा, और यहाँ दादी काम कर रही है, चिमकी नीचे बैठ के टाइम पास कर रही है। और यहाँ पे हमने बक्सा रखा हुआ था बड़ा, जो हमने अभी नीचे रख दिया है। और ये हमारा छज्जा है दोस्तों, ये हमारा रूम है पूरा। और ये सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे हमारी लकड़ियों की छत होती है। लकड़ियों की छत इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा के और उसके ऊपर पत्थर की सिल्लियाँ रखते हैं, ताकि कमरे के अंदर सर्दी कम हो और गर्मियों के टाइम में गर्मी कम हो। और मम्मी अभी उठ गई हैं, माहू भी उठ गया है, और कुकी खेल रहा है। कुकी सबको सबके साथ खेल रहा है कुकी। A few moments later. तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, बाय कुकी। अभी हम सुबह सुबह घूमने जा रहे हैं दोस्तों। हम एक्चुअली दादी से मिलने जा रहे हैं नीचे नीचे वाली दादी के घर में। और यहाँ का मौसम देखो, हमारे गांव का कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहा है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और चाचा कुकी को भी ले आए हैं। और पहले तो आप ये मौसम देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है दोस्तों। और कुकी को देखो, कुकी को भी ठंड लग रही है। आ कुकी, ठंडी लग ली है दोस्तों। कुकी को देखो, एकदम हाथ सब पैर सब ठिठुर रहे हैं उसके। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं सबसे नीचे वाली दादी के घर, और अभी जाते हैं दादी से मिलते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ दादी कितना खुश हुई जब हम गांव में मिले दादी से। तो अब मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। और दोस्तों ये मेरी फेवरेट गाय, मुझे गाय से बहुत ज़्यादा प्यार है। दादी आ गई दोस्तों, अब मैं दादी से मिलता हूँ। नमस्ते दादी। तो दोस्तों मिल लिए हम दादी से, और बहुत ही अच्छे से मिली दादी हमसे। बहुत सालों बाद मिले एक्चुअली हम दादी से, तो दादी ने बहुत प्यार दिखाया हमें। और मौसम देखो दोस्तों, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल मौसम हो रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे दोस्तों, क्या बताएं। और कुकी को देखो दोस्तों, कैसे कंधे में बैठा हुआ है एक साइड talk on the phone every night love to hear your voice not sleeping well and I know that you're right but you should know it you've been gone for way too long now if I could lay down beside you I would when nothing really matters that's all अब दोस्तों, अब हम ऊपर वाले मंदिर में चलेंगे पूजा करने के लिए। अभी
पूजा करने जा रहे हैं बाबू। हाँ तूने रखे थे ना, दे रहे ताऊ दे रहे हैं। हाँ चिंका तो दोस्तों अभी हम ऊपर जलपा माता के मंदिर में जा रहे हैं और फिर वहां से हम ऊपर दुर्गा माता के मंदिर में जाएंगे। दोस्तों हम पहुंच गए वहाँ ज्वालपा माता के मंदिर में, जय माँ भगवती। और दोस्तों बहुत सालों बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ माता के मंदिर में, और अब मैं थोड़ा सा दिया साफ करता हूँ और दिए में थोड़ा सा तेल डालता हूँ और फिर दिया जलाता हूँ। जय धूपबत्ती करनी भी जरूरी है दोस्तों। जय माता दी। अब मैं थोड़ी सी मिठाई लगा देता हूँ माँ भगवती को और फिर अपने भी लगा लेता हूँ और फिर माही के भी लगा लेता हूँ जो कैमरा मैन है मेरा। अब हम माँ दुर्गा देवी के मंदिर में जा रहे हैं दोस्तों और यहाँ पे देखो हमें फिर से चिंखे मिले। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों और ये देखो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी हो रखी है और इतना ज़्यादा प्यारा मौसम लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है दोस्तों। और ठंड देखो कितनी गजब की ठंड है। और दादी मिली यहाँ पे दोस्तों, दादी यहाँ पे कुटुल से खेत साफ कर रही हैं अपना और नीचे दादाजी वहाँ पे हल लगा रहे हैं बैलों से। और ये सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है दोस्तों। हमारे पास भी बैल थे दोस्तों, पहले हमारे दादा हल लगाते थे। और दोस्तों इस जगह हम पहले खूब खेलने आते थे और यहाँ ऊपर माँ दुर्गा माता का मंदिर, जय दुर्गा माता की। और दोस्तों ये रास्ता आप देख रहे हो, हमें यहीं से चल के जाना होता है। और ये जो छोटा सा पेड़ है, इस पेड़ में हम पहले बचपन में खूब चढ़ते थे। पहुंच गए हम दोस्तों माँ दुर्गा माता के मंदिर में, जय दुर्गा माता जी। यहाँ भी हमने दोस्तों दिया साफ कर दिया, बत्ती लगा रहा हूँ उसमें, अब तेल डाल के उसमें दिया जलाऊंगा। अभी बत्ती को दोनों तरफ से गीला कर लेता हूँ दोस्तों। जय माता दी, जय माँ भगवती। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया धूपबत्ती करनी भी जरूरी है, मैं जल्दी से धूपबत्ती भी जला देता हूँ। जय माता की। और दोस्तों माता रानी के मैं पिठाई लगा देता हूँ, अपने भी लगा लेता हूँ और माई के भी लगा लेता हूँ। जय माँ भगवती।
तो अभी हमने पूजा कर ली दोस्तों, अब मैं घर जा रहा हूँ। दादाजी ने बैल खोल दिए हैं दोस्तों, अब इनको घास चरने के लिए लेके जा रहे हैं दादाजी। सुबह सुबह ठंड में 5 बजे 6 बजे हल लगाने आ जाते हैं बैल खेतों में, और फिर अभी 7:30 7:45 7:30 का टाइम हो रहा है और अभी तक ये फ्री होके अपना अब ये घास चरने चले जाएंगे। और अब हम भी चलते हैं दोस्तों कुछ चरने के लिए। और अब दोस्तों ऊपर तो हमने पूजा कर ली, अब हम गांव में नीचे चौक में जा रहे हैं। नीचे चौक में हमारे पंचायती देवी हैं, वहां हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ ये ग्रीनरी देखो दोस्तों, और मुझे नहीं पता ये यहाँ पे कुछ क्या उगाया हुआ है, बट ये जो भी है बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। और दोस्तों हमारे पंचायती देवी में दिया जलाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमें यहीं जलाना चाहिए। गांव में हमें किसी की भी पूजा हो, हम हमारे में से या किसी के भी घर में कोई फंक्शन हो, पंचायती देवी में दिया जलाना सबसे पहले ज़रूरी होता है। जय माता दी, जय माता दी। दिए में थोड़ा सा तेल और डाल देता हूँ, मैं पूरा भर देता हूँ उसको ऊपर तक, ताकि देर तक जले वो। जय माँ भगवती, जय माँ। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है और पूजा हो गई हमारी, अब हम घर चलते हैं, अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, मौसम का मज़ा लेते हैं। आप भी एंजॉय करिए दोस्तों। और ये रहा हमारा बहुत ही अच्छा घर, ये अपू नाच रहा है ऊपर हेडफोन्स लगा के। और यहाँ रात की आग जली पड़ी है दोस्तों।